नमस्कार, आप देख रहे हैं ghamasan.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अब भारत से एक के बाद एक रिश्ते तोड़ता जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट के जरिए जहर उगला है। इमरान खान ने बोला है कि अब दुनिया देखेगी जम्मू कश्मीर में नरसंहार। दो ट्वीट के जरिए इमरान ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि जम्मू कश्मीर से कर्फ्यू हटने के बाद वहां क्या हालात बनते हैं। भाजपा की सरकार क्या सोचती है कि वो सैन्य बल की ताकत से उत्पीड़ित कश्मीरियों को स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यह आंदोलन फिर से गति पकड़ेगा। अपने दूसरे ट्वीट में इमरान खान ने लिखा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर के नरसंहार का साक्षी बनेगा। सवाल यह है कि क्या हम भाजपा सरकार के दबाव में फांसीवादी राज का एक और नमूना देखेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नैतिक स्तर पर इसे रोकने की हिम्मत नहीं है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ये दोनों ट्वीट वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खराब करने वाले हैं। वे प्रोपोगंडा के तहत जम्मू कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A निष्प्रभावी करने के फैसले का कई देशों ने स्वागत किया है। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए इसके लेकर यहां संसद कोई भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें पाकिस्तान या किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।